देख रहे हैं पीएनआई न्यूज। नोएडा थाना एक्सप्रेस वे पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने का अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से 18 पेटी देसी शराब व 23 खाली पौवे व अवैध शस्त्र बरामद हुआ है। घटना की पूरी जानकारी के लिए हम बात करेंगे नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह से। सर, आज एक्सप्रेसवे पुलिस को शराब तस्कर के रूप में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, कितनी पेटी शराब और क्या क्या बरामद हुआ है? देखिए, इधर जो शराब तस्करों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उसी के तहत एक्सप्रेसवे थाना अध्यक्ष को एक सफलता मिली है। उनकी टीम को एक रोहित नाम का एक व्यक्ति है जो यहाँ जो हमारा हरियाणा और नोएडा के बॉर्डर में जो यमुना के खादर का एरिया है वहाँ पे शराब तस्करी करता था, इसको हम लोगों ने वहाँ से गिरफ्तार किया है। इसकी पोजीशन से लगभग 18 पेटी शराब बरामद हुए हैं, एक सेंट्रो कार भी बरामद हुई है और इसके पास से कुछ ऐसे मटेरियल्स भी बरामद हुए हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये शराब को की मिक्सिंग करता था और क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी को भी इस एक्टिविटी से उसको डिस्टर्ब करता था और उस शराब को मार्केट में बेचता था। उसमें हम लोग जो उसके निर्धारित प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है और बाकी इसके साथियों को की तलाश भी हो रही है। इससे कुछ और भी जानकारी हम लोगों को मिली। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबा के हमें सब्सक्राइब करें।